तो राम राम दोस्तों, क्या हाल चाल सबके, कैसे हो सब। तो वापस से आ चुके हैं एक और न्यू वीडियो में। ओके, तो इस टाइम पर हमारा स्कोर देख सकते हो यार कि 50,232 हो चुका है। और यहीं पर करेक्ट रैंकिंग की बात करें तो रीजन पे 55 नंबर पे चल रहे हैं। तो अब वेपन टाइटल की बात करते हैं, यहाँ पर देख सकते हो M10 पे इंडिया रीजन पे टॉप 1 पे चल रहे हैं गाइस। और यहीं पर मैं आप लोग को ओदर्स में दिखाऊं और FZL करके 50 में जाऊं तो भाई देख सकते हो यहाँ पर इंडिया में आ चुके हैं और 37 नंबर पे चल रहे हैं इस टाइम पर। चलो अब मैं आप लोग को विन रीजन में दिखाऊं तो इस टाइम पर देख सकते हो कि हम इंडिया रीजन सोलो पे टॉप 1 पे चल रहे हैं विन्स के मामले में। और गाइस ये सोलो ही खेल रहे हैं, कोई डुओ स्क्वाड नहीं है, तो इसी बात पे एक लाइक करना यार। तो चलो अब मैं आप लोग को गेम प्ले की तरफ ले जाता हूँ। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर टंका सुपर। ओके, तो इस टाइम पर सामने से एक मॉन्स्टर वाला आ रहा है, इसको तो डैमेज बहुत ही कम जा रहा है, लेकिन पीछे कोई बंदा आ चुका है, फुट पेज तो आ रहा है, ये रहा। चलो भाई फाइनली इसको मैंने M10 से भर के फिनिश तो कर दिया। एक बंदा और आ चुका है, इस पर जो है एम कनेक्ट नहीं हुआ, तो मैं सोच रहा हूँ इस पर रश किया जाए, लेकिन ये तो ग्लोबल से पैक हो गया। तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई यहाँ से मेरे को निकल जाना चाहिए, अगर थर्ड पार्टी हो गया तो बहुत ही चला जाएगा ये वाला मैच, तो मेरे को यहाँ से निकल ही जाना चाहिए। फिलहाल अभी देखा है तो 3 बंदे ही लाइव है और इस वाले मैच मैंने 4 से 5 किल तो निकाल ही लिया है। एक बंदा जो है मेरे पे ग्रेनेड डाल रहा है भाई, तो इसके मैं ग्रेनेड डाल सकता हूँ। हाँ, बंदा आ रहा है, इसमें तो ग्रेनेड डाल सकता हूँ। चलो डालते हैं, एक डाल दिया और बंदा एकदम फटेगा शायद लग रहा है, और फटाए इस पर मैं सोच रहा हूँ FZL चलाया जाए, क्योंकि मेरा FZL का मिशन भी पूरा हो जाएगा ना ऐसे में। ओके, तो चलो फाइनली बंदा जो है फिनिश हो चुका है FZL से। सामने घर में फाइट भी हो चुका है, एक बंदा फिनिश भी हो गया है, और मेरे को लग रहा है कि ये बंदा जो है लैंड माइन से फटा है लास्ट वाला। और ये देखो यहाँ पे बैठा है कोने पे, इस पे FZL चलाते हैं, शायद बंदा एक गोली का हो तो मर जाएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं डैमेज आया। दूसरा तो डैमेज आया है और डैमेज कर रहा है अभी तक, तो मेरे को लोकेशन मिल रहा है बंदे का, और ये देखो ये साइड आ गया। इस वाले बंदे को सोच रहा हूँ यार कि FZL से ही मारा जाए, लेकिन FZL में तो एमओ नहीं है। चलो बंदा जो है ग्लोबल से पैक हो चुका है, इस वाले पेटी में देखता हूँ शायद मेरे को FZL मिल जाए, लेकिन इस वाले पेटी में भी नहीं मिला। अब चलो एक काम करते हैं, इस वाले बंदे को फटाफट फिनिश कर लेते हैं ताकि मैं दूसरा मैच भी खेल सकूं और FZL का मिशन भी पूरा कर सकूं। लेकिन ये बंदा जो है मेरे पे ग्रेनेड डाल रहा है, मेरे पास एक ही ग्रेनेड है, चलो डाल देता हूँ, बंदा शायद फटे, लेकिन ग्रेनेड जो है बाहर फटा तो बंदे को डैमेज नहीं आया। स्कैनर यहाँ पर छोड़ देता हूँ। ओके, और शायद बंदा यहाँ पे ग्लोबल तोड़ रहा है मेरा वो वाला, उसमें तो मैं नहीं हूँ भाई, इस वाले ग्लोबल में इधर देखो। चलो बंदा शायद निकलेगा, जोन तो आ रहा है, लेकिन ये भाई करेक्टर की रीज 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 क्या भाई। कई बार क्या होता है ना भाई, कोई बंदा इरीज करेक्टर लगाता है तो मैं थोड़ा नर्वस हो जाता हूँ कि कैसे मारूँ उस वाले बंदे को। चलो ये वाला बंदा तो भाई मेरे पे ग्लोबल ब्रेक बल्ट तोड़ रहा है, लेकिन इसको चलो दो गोली तो कनेक्ट हो गया, लास्ट मारेंगे। फाइनली मैंने बंदे को यहाँ पर फिनिश कर दिया और हमारा ओपी तरीके से बुया हो गया है। तो भाई इसी बात में एक लाइक कर देना यार, मैंने इस वाले मैच में FZL से एक ही किल किया था तो मेरे को 28 का ही प्लस देखने को मिला। ओके, तो इस वाले मैच में एकदम लास्ट जोन है और सामने से एक बंदा आ रहा है, मेरे पे हुमर डाल दिया है। चलो इसको एक बुलेट कनेक्ट हुआ, लेकिन अरे नहीं भाई, क्या गंदा डैमेज कर दिया यार मेरे को। चलो फटाफट मेडी मारते हैं, और इसके पास ट्रैकी है तो मेरा लोकेशन तो जा रहा है, इसको भी मैंने काफी तगड़ा डैमेज किया तो मेडी तो ले रहा होगा। अब चलो ग्लोबल तोड़ते हैं, इसके बाद इस वाले बंदे को फिनिश करते हैं। ये बुलेट टूट चुका है, अरे भाई क्या यार मार रहे हैं बिल्कुल से। चलो इसको दो तीन, अरे भाई FZL FZL FZL, ओ भाई ओ यार क्या गजब तरीके से मैंने इस वाले बंदे को FZL से मारा, सरप्राइज शॉट मारा यार, मजा आ गया। इस वाले बंदे को पता नहीं था यार कि मैं FZL चला सकता हूँ, और इसके साथ यही हुआ कि मैंने इसको FZL चला के मार दिया, मतलब थोड़ा सरप्राइज शॉट इसको तो मैंने दिया। अभी फिलहाल देखा है तो यार मैंने 3 किल कर लिया और भी 3 बंदे ही अलाइव है। तो यहाँ पे पेटी में मेरे को MP40 मिला तो मैंने MP40 उठा लिया, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट रेंज फाइट होने वाला है तो 2 शॉर्ट रेंज का गन जरूरत पड़ेगा ना। चलो एक बंदा तो यहाँ पर निपट चुका और एक बंदा शायद मेरे घर के ऊपर पर तो है, फूड पेज मेरे को आ रहा है अभी, तो मैं थोड़ा होल्ड करूंगा, उसके बाद चलते हैं भाई बाहर। तो मैं सोच रहा हूँ चलो बाहर चलते हैं, अब यहाँ पे मैं दरवाजा तोड़ दिया हूँ और एकदम सीधा इस साइड में निकलूंगा। ओके, तो एक बंदा मेरे को लग रहा है इस साइड पे ही रहा, इसके तो हेड लगा लेकिन उतना खास नहीं, 28 का ही लगा है। तो इस वाले बंदे को क्या मैं ग्रेनेड से मार सकता हूँ, चलो ग्रेनेड कुक करके देखते हैं, शायद बंदा फटे, लेकिन मेरे को नहीं लग रहा कि बंदा इस साइड होगा। चलो ऊपर वाला बंदा आ चुका है तो इस पे ग्रेनेड डालेंगे, ये मैंने ग्रेनेड तो डाला है और यहाँ पर बंदा फटा है, अब इसमें मैं FZL चला रहा हूँ।
चलो ये बंदा तो यहाँ पर काफी गंदा डैमेज है, और दूसरा बंदा है शायद इस वाले घर में, तो इस पे भी एफजीएल चलाते हैं, शायद बंदा डैमेज हो, लेकिन डैमेज तो नहीं है। और देखो बंदा निकल चुका है बाहर, तो इसको मारेंगे, लेकिन एक ग्लूवल लगा दिया, मैं ग्लूवल तो तोड़ रहा हूँ, पर पीछे से बंदा आ चाहिए भाई, किल टाफ लिया, इसको भी यहाँ पर मैंने एफजीएल से डैमेज दिया, लेकिन मेरे को भी गंदा डैमेज दे दिया, दूसरा एफजीएल चलाया लेकिन इसको डैमेज नहीं आया। अब बंदा जो है उस साइड भाग गया, और देखो यहाँ पे अपना संतीनर छोड़ दिया, तो इसका संतीनर तोड़ देते हैं। चलो संतीनर तोड़ चुके हैं, और बंदा जो है भाई इस साइड पर आ चुका है। अगर यहाँ पर मैं मोटर ट्रक में नहीं चढ़ा होता तो मेरे को बहुत ही गंदा हेड लगने वाला था। और चलो बंदे को मारते हैं भाई, बहुत टाइम वेस्ट हुआ कर रहा है। ये सामने से आया और सीधा लोबी चला गया, तो यहाँ पर हमारा फिर से ओपी तरीके से बुया हो चुका है। और इस वाले मैच में भी मैंने एक किल किया था, तो भाई मेरे को 37 का प्लस देखने को मिला। ओके तो इस वाले मैच की बात करें तो लास्ट जोन है, और मैंने दो ही किल किया है, पीछे से किसी बंदे ने मेरे को डैमेज दिया, ए रहा भाई। तो चलो इसको एकदम से वन टेप लगाया, इसको अब M10 से क्लियर करेंगे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ना इसको FGL से ही मारा जाए, तो रिवाइव होने देते हैं। और चलो बंदा यहाँ पर रिवाइव हुआ, इसको FGL से ओपी तरीके से मारा, बंदा फिनिश हो चुका है। अब यहाँ पर देखा है तो सर्कल ऐसा जगह बना है कि भाई मत पूछो, एकदम नीचे पानी के साइड बना है, मतलब ढलान साइड में, और बंदे इतने गाड़ी चला रहे हैं। लास्ट जो ना वो ऐसा जगह बना है, फिर भी भाई बंदे जो है गाड़ी चला रहे हैं, मतलब इनको शर्म नहीं आता यार। इस साइड पे शायद गाड़ी वाला आ चुका है, ये देखो सामने की साइड पे ही है, और मेरे पे ही डायरेक्ट आ रहा है। अरे अरे नहीं भाई, मत चढ़ाना है, बाइक वाला भी आ चुका है, भागो भाई यार भागो, अरे अरे पीछे से पड़ रहा है, अरे भाई क्या बंदे हैं यार। चलो यहाँ पर तो मैं बच गया, ऊपर साइड जाके इस मोटर ट्रक वाले को मारते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ मोटर ट्रक में बैठ जाते हैं। ओके बैठ चुके हैं भाई, अब यहाँ से अब घूमी घूमी करेंगे इसके साथ, लेकिन पीछे वाला बंदा MP5 से मोटर ट्रक को भरा जा रहा है, मतलब इसको ज़्यादा जलन हो रहा है भाई कि मैं मोटर ट्रक में बैठ चुका हूँ, अब इसको तो छोड़ने वाला नहीं हो। चलो ग्रेनेड से उड़ाने का ट्राई करते हैं, यहाँ पे तो मैं ग्रेनेड डाल दिया हूँ, बंदा फटा है 34 का, अब इस पर रश करेंगे, जोन भी श्रिंक हो रहा है यार, इसको जल्दी से क्लियर करना पड़ेगा, लेकिन संतीनो वाला बंदा यार, और मारेंगे बट संतीनो ऑन कर दिया, अरे अरे भाई कहाँ कहाँ से पड़ रहा है, निकलना पड़ेगा यहाँ से, मेरा स्पीड देखो यार इतना लो हो रहा है, पीछे बंदा आ चुका है संतीनो वाला, भागो यार नहीं तो नहीं बच पाएंगे, अरे भाई छोड़ दो यार, जाने दो संतीनो वाले भैया। चलो टंटीनो वाला बंदा तो यहाँ पर गया, और जोन भी श्रिंक हो रहा है, नीचे के साइड बंदे पहले मेडी मारते हैं उसके बाद निकलते हैं, जल्दी निकलो यार नहीं तो जोन तो काट देगा, मेडी मार लिया अब निकलते हैं यार। और यहाँ पर देखा जाए तो तीन बंदे यहाँ लाए हुए, नीचे के साइड ही देखो मोटर ट्रक तो इस साइड पड़ा है, पीछे से बंदा आ रहा है क्या भाई, नहीं नहीं यार शायद नहीं आ रहा है, इस साइड पर देखते हैं ग्रेनेड, लेकिन पीछे से बंदा गया, अरे अट यार भाई एकदम से हेड मार दिया यार, मैं ग्लूवल डालने वाला था यार, लेकिन सोचा ग्लूवल कवर में तो बंदा नहीं मारेगा, इसी की वजह से मैं ग्लूवल नहीं डाला और चला गया ऊपर। अरे डायरेक्ट ऊपर नहीं भाई, लोबी पे आ गया। अब इस वाले मैच की बात करो तो एकदम लास्ट जोन है, और तीन ही बंदे अलाइव है, मैंने तीन ही किल किया और इतने ज़्यादा होल्ड करके रखे हैं जो तीन बंदे बचे हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ, आप तो खुद देख सकते हो कि कोई बंदा हलचल नहीं कर रहा है, कहीं पर फायर नहीं कर रहा है। चलो मेरे पास मोटर ट्रक है तो मोटर ट्रक मंगा देते हैं, शायद ऊपर बंदा हो तो मोटर ट्रक पकड़ के भाई इधर उधर हलचल तो करे। मेरे को यहाँ पर सच में लग रहा है यार कि एक बंदा जो है मेरे सर के ऊपर है, तो ज़्यादा देर यहाँ पर मेरे को बैठना सेफ नहीं है, तो निकलना चाहिए यहाँ से, लेकिन देख लेते हैं यार इधर उधर की बंदा तो नहीं है। ओके तो यहाँ पर मेरे को सच में सेफ फील नहीं हो रहा है, तो निकलना चाहिए यहाँ से मेरे को, और सामने के साइड घर में बंदा तो नहीं है, देखते हैं भाई जाके, शायद हो तो मार देंगे, तो यहाँ पर तो बंदा नहीं है, सामने के साइड यहाँ पे ग्लूवल डाल देते दरवाजे पे, कोई बंदा इधर से ना आए। अब यहाँ पर मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि राइट साइड में दो बंदे हैं और एक बंदा मेरे लेफ्ट साइड में है, जो कि मेरे को अभी तक नहीं दिखा है, लेकिन है, ये देखो सामने के साइड ही है भाई, अभी अभी देखो ग्लूवल लगाया है, इसको शायद यहाँ पर मैं ग्रेनेड से मार सकता हूँ, तो मैं ग्रेनेड डाल रहा हूँ, और बंदा तो डैमेज हुआ 41 का, सामने के साइड भाग रहा है, तो एक ग्रेनेड और डाल दिया हूँ, और इसमें भी फटा है, एक और डालेंगे भाई शायद इसमें उड़ जाए, और अभी देखा जाए तो दो ही बंदे बचे हैं जो कि सामने के साइड उछल रहे हैं। चलो ग्रेनेड डाला, फटा है बंदा, FGL से यहाँ पर मारने की ट्राई करते हैं, लेकिन FGL से डैमेज नहीं आ रहा है, शायद डैमेज तो हुआ है, एक बंदा इस साइड से पकड़ रहा है। चलो भाई इसको यहाँ पर मैंने फिनिश कर दिया, अब लास्ट बंदा बचा है देखो सामने, और यहाँ पर इस वाले बंदे को ही मैंने M10 से मार के फिनिश कर दिया, और हमारा ओपी तरीके से बुया हो चुका है। तो चलो यार आज के लिए इतना ही, अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा तो दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेल देयर टेक केयर, राधे राधे।